दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आप सुन रहे होंगे। अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करते हैं, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो आपको ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा होगा। और वो ये है कि आजकल आप सुन रहे होंगे दोस्तों कि बहुत बड़ी बड़ी जितनी स्टार्टअप्स हैं वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रही है, उन्हें खरीद रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्यों ऐसा कर रही है? दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एडटेक स्टार्टअप है, मतलब वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन एडुकेशन पढ़ा रही है। ऑनलाइन एडुकेशन में वो एकेडमिक्स पढ़ा रही है, मान लीजिए वो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ा रही है, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। लेकिन अब वो ये चाहती है कि वो कोचिंग भी कराए, कोचिंग मतलब एमबीए की कोचिंग पढ़ाए, कैट की, मैट की, ये कोचिंग कराए। लेकिन अभी वो नहीं करा रही है, लेकिन वो कराना चाहती है। तो अब अगर वो खुद से अगर ये स्टार्ट करना चाहती है तो उसे बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, इम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, एक बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है दोस्तों एक स्टार्टअप को हिट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो उसने क्या सोचा, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कोई स्टार्टअप है जो इस पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रही है, मतलब जो कोचिंग करा रही है ऑलरेडी एमबीए प्रिपरेशंस के का, कैट मैट का, तो उसे क्यों ना एक्वायर कर लिया जाए, क्योंकि वो छोटी है, एक्वायर किया जा सकता है, और मैं बड़ा हूं तो मैं एक्वायर कर लूंगा बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको एक्वायर कर लिया ताकि मुझे अब कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ उसे एक्वायर करना पड़ा। और फायदा क्या हुआ कि जो मैं सोच रहा था स्टार्ट करने का एक अलग डोमेन में, कोचिंग में, वो भी स्टार्ट हो गया। उसका जो भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होगा वो भी मेरा हो गया, उसके जो स्किल्ड एम्प्लॉयज थे उसके लिए काम कर रहे थे वो भी हो गया, उसकी जो ब्रांड वैल्यू थी वो भी मुझसे अटैच हो गई, और सबसे बड़ी बात उसका जो वैल्यूएशन था, एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन, वो भी अब मेरा हो गया। वो जिसने मार्केट साइज जो में उन्होंने जो पेनिट्रेट किया था, जितने कस्टमर और क्लाइंट जो उसके थे, अब वो सारे मेरे हो गए। तो इससे और एक फायदा क्या हो गया, इतना कुछ मिलने के साथ साथ मेरी कंपनी जो बड़ी थी, ऑलरेडी वैल्यूड कंपनी थी, काफी वैल्यूएशन था, और ज्यादा इंक्रीज हो गया वैल्यूएशन एक छोटी कंपनी को एक्वायर करने से। तो है ना ये फायदे वाली बात, क्योंकि आजकल के दौर में हर स्टार्टअप अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों जिसके थ्रू वैल्यूएशन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को एक्वायर कर रही है ताकि अपने वैल्यूएशन को और बढ़ाए, और जिस पर्टिकुलर डोमेन में, कोई एक्स्ट्रा फील्ड में अगर वो उतरना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं उसको छोड़ के, तो आराम से एक्वायर करके उस फील्ड में वो कूद सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ के और भी कोई कारण हो सकता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है मेरे इस व्यू पॉइंट से। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।